तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूबर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक नया गूगल अकाउंट बना सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नया गूगल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना है। एंड सेटिंग को ओपन करने बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। एंड जैसे आप नीचे आएंगे तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा गूगल का, आपको सिंपली गूगल पे क्लिक कर देना है। एंड गूगल पे क्लिक करने बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यदि आपका पहले से कोई ईमेल आईडी बना है तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इस एरो का, आपको सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देना है। एंड एरो पे क्लिक करने बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा एड अनदर अकाउंट का, आपको सिंपली एड अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। एंड इस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे चेकिंग इन्फो लेगा। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे चेकिंग इन्फो कम्प्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, आप यहाँ से अपने गूगल अकाउंट को बना सकते हैं। तो गूगल अकाउंट को बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट का, आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। एंड इस पे क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला फॉर माई पर्सनल यूज, दूसरा फॉर वर्क आर माई बिजनेस का। तो आपको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन फॉर माई पर्सनल यूज को सेलेक्ट कर लेना है। और इसको सेलेक्ट करने बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा। तो आप अपने ईमेल आईडी में जो भी नाम ऐड करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे अपने नेम को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाल देना है। एंड नेम को डालने बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद दोस्तों, आपसे यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है, आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ 18 प्लस डालना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे जेंडर दिखाई देगा, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यदि आप मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे जिस भी नाम से अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सचिन कुमार। इसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने इस तरह का एरर आ चुका है। यदि आपके साथ ही इस तरह का एरर आ जाता है तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड, आपको यहाँ पे कुछ अंक डाल देना है। एंड डालने बाद दोस्तों, आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है। एंड पासवर्ड को बनाने के बाद दोस्तों, आपको उस पासवर्ड को याद रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा एड फोन नंबर का। अब दोस्तों, यदि आप अपने ईमेल आईडी में फ़ोन नंबर को ऐड करना चाहते हैं ताकि आपके ईमेल आईडी को कोई दूसरा लॉगिन ना कर सके या फिर हैक ना कर सके, तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर ऑप्शंस का, आपको सिंपली मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। एंड इस पे क्लिक करने बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा एड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी मनली, आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने बाद दोस्तों, नीचे आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। एंड इस पे क्लिक करने बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। यदि आप इस मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं, आप जिस भी मोबाइल नंबर को ऐड करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को डाल देना है। एंड मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है आपने जो भी ईमेल आईडी बनाया है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे इसका प्राइवेसी एंड टर्म दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे रीड कर लेना है कि इसका प्राइवेसी एंड टर्म क्या है, जैसे कि आप इस ईमेल आईडी को कहाँ कहाँ लॉगिन कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे इसके प्राइवेसी एंड टर्म को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। एंड आई एग्री पे क्लिक करने बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे वेट करना है, प्रोसेसिंग लेगा। इसके बाद दोस्तों, आपका यहाँ पे गूगल सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, आपको वेट कर लेना है। एंड वेट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा, आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर देना है। एंड एरो पे क्लिक करने बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे नीचे की साइड में जो अभी आपने गूगल अकाउंट बनाया है, जो ईमेल आपने बनाया है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करने बाद दोस्तों, अब आपका यहाँ पे ये गूगल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एक नया गूगल अकाउंट बना सकते हैं, एक नया गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।